नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। देखा जाए तो अदानी ग्रुप का एक सब्सिडरीज कंपनी है, और कंपनी देखा जाए तो थर्मल पावर के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छा खासा एक गुड न्यूज आया है, और इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा दोस्त कमेंट किए थे कि इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज के दिन इस कंपनी से एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ चुके हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के कुछ पैरामीटर मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ जो फ्यूचर के लिए इस कंपनी में कितना सस्टेनेबल रहेगा और कितना पॉजिटिव है फ्यूचर के लिए इस कंपनी, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज, सारे के सारे चीज एक साथ चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियोज डालता रहता हूँ अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, और आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वहाँ उसका लिंक भी हमारा ग्रुप से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं, होल्डिंग में काम करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए काम करते थे, और सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं अदानी पावर, अदानी पावर किसका कंपनी है? अदानी ग्रुप के ही कंपनी है, और इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है कौन, देखिए अदानी पावर, यहाँ पे देखिए मुंदारा लिमिटेड जो है वो अदानी पावर लिमिटेड मुंदारा में है, और भी बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी का एक्चुअली फाउंडर जो है वो गौतम अदानी है, आप सभी जानते हैं। रिलायंस और अदानी के बीच हमेशा टक्कर रहते हैं क्योंकि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टोटल जो इसका एसेट है, इसके हिसाब से अदानी ग्रुप और गौतम अदानी साथ ही के साथ मुकेश अंबानी, इस दोनों के बीच बहुत ज्यादा टक्कर चलते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगा अदानी ग्रुप के एक देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी के बारे में। देखिए छोटा नहीं कहूंगा, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,000 करोड़ है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं कहूंगा क्योंकि लार्ज कैप कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी में आज के दिन करीबन 2.5% तक तेजी, 2.5% का तेजी पीछे एक कारण है, वो कारण क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बात करूंगा। तो चलो सबसे पहले मैं कारण दिखा देता हूँ, कौन सा न्यूज है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद कंपनी के बारे में जानकारी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। न्यूज कौन सा साइट से पब्लिश किया गया, आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर से इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो मैं ऑब्वियसली थैंकफुल हूँ इस बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी पावर जो है वो कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ, यहाँ पे देखिए एजर्स 1200 मेगा जो मैट्रिक सॉरी मेगावाट जो है, तो एक्चुअली मेगावाट वो भी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए महान प्रोजेक्ट इन एमपी, तो महान प्रोजेक्ट इन एमपी का 1200 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो अभी कौन एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है कौन, अदानी पावर ने। तो एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि देखिए मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, और इस आपका बिजनेस यहाँ पे भी एक बिजनेस है, वो आपका फ्रेंड का बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपका फ्रेंड का बिजनेस भी चल रहा है, उतना खास नहीं चल रहा है, तो आप उसको ग्रोथ कराने के लिए और आप उस कंपनी से अच्छा खासा फायदा कमाने के लिए आपका दूसरा एक कंपनी बनाना चाहते थे, तो आप कंपनी नहीं बनाकर आप क्या किया, उसका जितने सारे प्रोडक्ट्स है, उसका जितने सारे रॉ मटेरियल्स है, उसको यूज करके, उस कंपनी को एक्विजिशन करके, आप उसके साथ डीलिंग्स करके तो एक बिजनेस किया, और उसका जो रेवेन्यू है आपको फ्रेंड को भी मिलेगा साथ ही साथ आपको भी मिलेगा। तो इसी तरीके से सेम टू सेम एक्विजिशन किया जाता है कोई भी कंपनी के ऊपर। तो अदानी पावर ने क्या किया, कंप्लीट एक्विजिशन, मतलब आप जिस तरीके से आपका दोस्त का कंपनी का एक्विजिशन किया, सेम टू सेम यहाँ पे अदानी पावर ने भी अच्छा पूरा के पूरा कंपनी ही खरीद लिया। तो कौन सा कंपनी आप देख सकते हैं, महान जो महान प्रोजेक्ट है इन एमपी, मध्य प्रदेश का जो महा प्रोजेक्ट है 1200 मेगावाट का, तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको एक्विजिशन किया। तो यहाँ पे न्यूज के पूरे डिटेल्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और भी डिटेल्स में आपको जानकारी भी मिल जाएगा। तो सबसे पहली जो बात है, कंपनी ने क्या किया, अदानी पावर वेडनेसडे के वेडनेसडे के दिन सेड इट हैज कंप्लीटली द एक्विजिशन ऑफ, यहाँ पे देखिए एस एजर
1200 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन महान मध्य प्रदेश, मतलब जो एसर पावर है उस कंपनी को टोटली 100% एक्विजिशन किया, टोटली कंप्लीटली एक्विजिशन किया। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसर पावर एमपी लिमिटेड व्हिच इज देखिए अंडरगोइंग देखिए इंसोलवेंसी देखिए रेजुलेशन जो है तो उसके ऊपर इज ओवर द 4200 करोड़, मतलब 4200 करोड़ रुपया देकर टोटली कंपनी को यहाँ पे एक्विजिशन किया, टोटली कंपनी को खरीदारी के लिए। देखिए खरीदारी नहीं कहूँगा, एक्विजिशन का मतलब उसका कुछ हिस्सेदारी उसका जो ग्रुप है वो जो कंपनी का जो ओनर है उसको भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे अदानी पावर ने क्या किया, 100% का एक्विजिशन यहाँ पे किया। तो इसी यही बात एक पॉजिटिव न्यूज के लिए सामने आया, तो इसलिए आज के दिन अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला। देखिए आप इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए इस कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा। और तो 5 दिन में मात्र 2% का तेजी, सिर्फ आज ही के दिन अच्छा खासा तेजी हुआ, तो इसीलिए 2% का टोटल कुल मिलाकर तेजी देखने को मिला। एक मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो एक मंथ में लॉस 4.5% तो बोल सकते हैं, 6 मंथ में तो 25% तक रिटर्न दे दिया। किस तरीके से भाग है आपने देखा, 6 मंथ में 25% तक रिटर्न दिया, 1 साल में तो 44% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया है। इतना टाइम तक तो ठीक था, अभी जो पीरियड है 5 साल वो भी ठीक है, 217% और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 21% का रिटर्न। तो पहले कंपनी स्टार्ट हुआ अच्छा खासा तेजी में गया, उसके बाद किस तरीके से धड़ाक से गिरा आप देख सकते हैं। करीबन 4-5 साल में कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 85%, मतलब 85% का 85% तक कंपनी लॉस कर चुके थे। तो इतना बड़ा लॉसेस करने के बाद भी फिर से कंपनी जो रिकवरी किया वो अच्छा खासा देखने को लायक है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या इस तरीके से कंपनी के ऊपर फ्यूचर बनेगा, तो देखिए उसको जानने से पहले आपको कंपनी का डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ, आप स्कैनर वेबसाइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अदानी पावर जो है वो एक्चुअली इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,500 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और टोटली जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 14.2% टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी है। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई लेवल में लगा, क्योंकि देखिए इस हाई लेवल में भी स्टॉक में बाइंग हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे चिंताजनक बात भी है। क्योंकि देखिए अगर अच्छा खासा कंपनी होता, लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी होता, तो मैं जरूर बताते कि उस कंपनी में हाई पी रेशियो के हिसाब से भी कंपनी बाइंग हो रहा है तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी उतना खास मुझे नहीं लगा। क्योंकि कंपनी का डेप ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए, करीबन 4% तक डेप्थ है कंपनी का, कुल मिलाकर 52,700 करोड़ का डेप्थ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी कंपनी डेप्थ ज्यादा है। कंपनी हाँ मानता हूँ कंपनी एनुअली 1200 करोड़ का प्रॉफिट किया, 3400 करोड़ का हाथ में कैश भी है, अर्निंग पर शेयर देखिए ना के बराबर, प्रोमोटर के पास कितना 75% होल्डिंग है, तो प्रोमोटर ने 27% प्लेजिंग भी करके रखा। तो इस बात को भी तो आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि देखिए प्लेजिंग कंपनी के लिए थोड़ा सा खतरेमंद जरूर होते हैं। क्योंकि देखिए प्लेजिंग क्या होते हैं, मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ फिर भी एक बार बता रहा हूँ कि प्लेजिंग एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो प्रोमोटर है उसका जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी के एक परसेंटेज वो मतलब एक जितने परसेंटेज वो बैंक और किसी भी इन्वेस्टर के पास जमा करके पैसा लेकर काम कर रहा है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो, अगर कंपनी लॉस में चला जाता है तो वो शेयर उस जो जिसके पास प्लेजिंग करके रखे थे उसके हाथ में चला जाएगा। तो यही सबसे बड़ी बात है, इस बात को थोड़ा सा नेगेटिव इशू में देखा जाता है। तो टोटली जो देखा जाए कंपनी के बारे में, कंपनी का मैं सिर्फ जितने सारे इंडस्ट्रीज है इसका इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा जाए तो अदानी ग्रुप के पहले से ही 2 कंपनी नंबर 1 नंबर 2 में है, अदानी ग्रीन अदानी ट्रांसमिशन। आपको अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना ही है तो आप अदानी पावर से बेस्ट रहेगा, मैं जरूर कहूंगा अदानी ग्रीन एंड अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि वो कंपनी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा इतना बड़ा कंपनी है, और साथ ही साथ कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्योंकि अदानी पावर जो है वो थर्मल पावर के ऊपर काम करते हैं, थर्मल पावर मतलब जितने सारे कोयला है उसको जला के थर्मल पावर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो फ्यूचर में मुझे लगता है थर्मल पावर टोटली बंद होने वाले है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से गवर्नमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड काम करने के लिए ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस रख रहा है, तो उसी के हिसाब से मेरे हिसाब से
पावर जितने सारे सेक्टर है और वो भी थर्मल पावर के सेक्टर के बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकते हैं। तो फिर भी देखिए आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए कंपनी का आपको रिटर्न जो दिया वो बहुत शानदार देखने का लायक है। आप रिटर्न के चक्कर में बहुत सारे दोस्त निवेश कर देते हैं। देखिए आप टीटीएमएल जो कंपनी है वो तो आपको 1000% तक रिटर्न दे दिया एक साल में। तो क्या वो कंपनी अच्छा खासा है? जरूर नहीं। आप उसके ऊपर स्टडी करेंगे तो देखेंगे हर साल में कंपनी लॉस कर रहा है। ये कंपनी भी देखिए आप एक बार स्टडी तो करिए, उसके बाद हर डेटा आपको सामने अवेलेबल हो जाएगा। अब देख लीजिए कंपनी लॉसेस से लॉसेस करते जा रहे हैं। हाँ, लास्ट साल में कंपनी प्रॉफिट किया। हाँ, रिटर्न मानता हूँ अच्छा खासा दिया, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, मगर सेल्स उतना अच्छा खासा नहीं है। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर भी उतना एग्रेसिवली इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। प्रोमोटर के पास, एफआईएस के पास 11%, डीएस के पास 5% और पब्लिक के पास 8.5% तक होल्डिंग है। ओवरऑल बात करूं हर किसी के पास इसके हिस्सेदारी है, मगर मुझे इस कंपनी उतना खास नहीं लगता। मैं जरूर कहूंगा आपके इस कंपनी में अच्छा खासा लगते हैं तो ऑब्वियसली आप स्टडी करके निवेश करिए। तो मेरे हिसाब से आप मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं इस कंपनी के ऊपर बी क्रॉस लगाना चाहता हूँ। मुझे पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर मैं जरूर फोकस रखना चाहूंगा। तो आशा करता हूँ सारे डेटा आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।